हमारे भोजपुरी स्टार्स किसी मामले में हमारे बॉलीवुड स्टार से आगे हो या ना हो, लेकिन अपने रिलेशनशिप स्टेटस को हाइड करने में और शो ऑफ करने में ये नंबर वन है। अब आप ये कहेंगे कि वो कैसे, हम बताते हैं आपको। आपने तो देखा होगा, चाहे बॉलीवुड हो या फिर साउथ की इंडस्ट्री हो, हर जगह अपने रिलेशन को ऑफिशियल करने से पहले स्टार्स 10 बार सोचते हैं, लेकिन हमारे भोजपुरी स्टार्स इसे ऑफिशियल करने की तो बात छोड़िए, इतने ज़्यादा बिंदास होते हैं अपने हीरोइनों के साथ ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन भी, कि ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि ये वाकई में रिलेशनशिप में हैं या अपने ऑन स्क्रीन पेयर को अभी भी जी रहे हैं। अब चलिए हम बात करते हैं ये कि क्यों हमारे भोजपुरी स्टार्स अपने वाइफ्स को पार्टीज़ में और मीडिया से दूर रखते हैं, लेकिन जब बात आती है इनके हीरोइनों की या यूं कह ले सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड की, तो भाई उनसे इनके लगाव कुछ ज़्यादा ही है। आइए पहले बात कर लेते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ की। आपको तो पता ही होगा कि दिनेश लाल यादव निरहुआ की पत्नी को अब तक किसी ने नहीं देखा है। हाँ, ये बात और है कि उनकी फ़ोटो मीडिया में कई बार सर्कुलेट हुई और ये कहा गया कि निरहुआ की पत्नी मनसा यादव है, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। अब आपको बात बता दें कि दिनेश लाल यादव निरहुआ की लाइफ में मनसा यादव की एंट्री तो तभी हो गई थी जब वो भोजपुरी इंडस्ट्री से उनका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। जैसे ही निरहुआ भोजपुरी इंडस्ट्री में आए और वो पाखी हेगड़े के संगत में आए, तो भाई पाखी हेगड़े के साथ तो वो इस तरह रहने लगे जैसे लगा कि पाखी हेगड़े ही उनकी पत्नी हैं। और तो और, आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि आज भी अगर गूगल आप करेंगे तो पाखी हेगड़े को ही निरहुआ की पत्नी बताया जाता है। और तो आपको एक बात बता दें कि जब पाखी हेगड़े निरहुआ की लाइफ से चली गई और भाई आम्रपाली दुबे की एंट्री हुई, तो आम्रपाली दुबे भी उसी तरह से निरहुआ के साथ रहने लगी जिस तरह से पाखी हेगड़े रहा करती थी। अब लोगों को ये कंफ्यूज हो गया कि भाई पाखी हेगड़े निरहुआ की पत्नी है कि आम्रपाली दुबे निरहुआ की पत्नी है। लेकिन आपको ये बता दें कि ये दोनों ही तो उनकी गर्लफ्रेंड के रूप में ज़्यादा मशहूर हैं। अब बात करते हैं खेसारी लाल यादव की। तो खेसारी लाल यादव भी जब भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं आए थे तभी उनकी शादी हो गई थी, और वो जैसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री में आए कुछ दिनों तक ऑडियंस को लगा कि उनकी पत्नी स्मृति सिन्हा है। जैसे ही स्मृति सिन्हा से लोगों का भ्रम टूटा तो लोगों को लगा कि इनकी पत्नी अक्षरा सिंह है, और फिर जैसे ही उनसे भ्रम टूटा तो लोगों को लग गया कि भाई न स्मृति और ना ही अक्षरा, इनकी पत्नी हो सकता है काजल राघवानी हो। काफ़ी दिनों तक ये भ्रम चलता रहा, लेकिन भाई निरहुआ से थोड़े से शायद ओपन माइंडेड है, या यूँ कह लें कि निरहुआ की पत्नी की तरह खेसारी की पत्नी शाय नहीं है, और वो मीडिया के सामने आ गई और लोगों को पता चल गया कि खेसारी शादीशुदा हैं और उनके दो बच्चे हैं। यहाँ लेकिन काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव के रिलेशन के स्टेटस की बात करें तो भाई काजल राघवानी को वो कभी अपनी गर्लफ्रेंड भी कह देते हैं, कभी सोशल मीडिया पर काजल को आई लव यू तक कह देते हैं। अब लोग इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोग ये पूछ लेते हैं कि भाई आप दोनों शादी कब करेंगे। जहाँ शादी की बात आती है वहाँ खेसारी फट से पीछे पलट जाते हैं कि भाई मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ। अब बात कर लेते हैं पवन सिंह की। जी हाँ, पवन सिंह इकलौते ऐसे स्टार हैं जिनकी वाइफ्स भी उतनी रही हैं जितनी गर्लफ्रेंड रही हैं। जी हाँ, इनकी 3 बार शादी हो चुकी है, फिर वो शादी नाकामयाब रही, और वो शादी तो उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर की थी। फिर भाई जैसे उस शादी का अंत हुआ, उनकी दूसरी शादी हुई घर वालों की पसंद से, यानी कि नीलम सिंह से। नीलम सिंह ने तो शादी के 4 महीने बाद ही खुदकुशी कर ली। फिर उसके बाद पवन सिंह की लाइफ में कई लड़कियां आईं और कई लड़कियां गईं, और जितनी लड़कियां जितनी तेज़ी से आती थी उतनी लड़कियां उतनी तेज़ी से चली भी जाती थी।
कई बार तो रानी चटर्जी को पवन सिंह की भाई मिसेस तक कह दिया गया। फिर उसके बाद अक्षरा सिंह का और पवन सिंह का काफ़ी दिनों तक रिलेशन चलता रहा और कई जगहों पर पवन सिंह ने ये एडमिट किया कि वो अक्षरा सिंह से जल्द ही शादी भी कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और पवन की लाइफ में ज्योति सिंह आ गई। अब बात हम करते हैं तो भाई आपको बता दें कि अक्षरा सिंह को लोग आज भी पवन सिंह की गर्लफ्रेंड के रूप में ही देखते हैं। तो भाई अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के हमारे ये जो तीनों सुपरस्टार हैं, और भी आगे सुपरस्टार्स की हम बात करेंगे, अभी तो ये तीन की ही झलक हमने आपको दिखाई है, ये सारे अपने रिलेशन को बड़े ही डिप्लोमेटिक तरीके से रखना चाहते हैं। घरवाली तो घरवाली भी साथ में रहें, बाहर वाली भी उनका साथ ना छोड़े। कुछ यही हालत यश मिश्रा की भी है। जी हाँ, अंजना सिंह से उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन उनके दिल बहलाने के लिए कई ऐसी लड़कियां उनकी लाइफ में आई जिससे अंजना सिंह खफा हो गई। अब खफा का आलम यह हुआ कि इन दोनों में डिवोर्स तक की नौबत आ गई। हाँ, ये बात और है कि अंजना और यश अब साथ में नहीं रहते, इनकी बच्ची है। बच्ची के कारण ये दोनों हमेशा मिलते जुलते रहते हैं ताकि बच्ची को ये एहसास ना हो कि मम्मी पापा अलग हो चुके हैं। लेकिन अब अगर आप यश मिश्रा को देखेंगे तो यश मिश्रा की नज़दीकियाँ निधि झा से सबसे ज़्यादा है। जी हाँ, ऐसा तो दबे लफ्ज़ों में भी कहा जाता है, यश मिश्रा की गर्लफ्रेंड है। अब भाई अफवाह है, इन्हें आप कह भी क्या सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ। प्रदीप पांडे चिंटू का भी नाम कई अभिनेत्रियों से जुड़ा, फिर वो चाहे प्रियंका पंडित रही हो या फिर रानी चटर्जी रही हो या फिर अक्षरा सिंह रही हो। जी हाँ, हाल ही में उनका नाम अक्षरा सिंह के साथ भी जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आजकल अक्षरा सिंह और प्रदीप पांडे चिंटू की नज़दीकियाँ बहुत बढ़ गई हैं। भाई अब ये नज़दीकियाँ फिल्म के लिए हैं या फिर परमानेंट है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन प्रदीप पांडे चिंटू का भी नाम कई बार उनकी कई एक्ट्रेसेस से जोड़ा गया है और कई बार ये चीज़ें सही भी साबित हुई हैं। रितेश पांडे की बात करें तो रितेश पांडे का नाम अक्षरा सिंह के साथ भी जोड़ा गया, क्योंकि जैसे ही इंडस्ट्री में सभी अक्षरा के साथ काम करना बंद किए थे, इकलौते रितेश पांडे ही ऐसे थे जिन्होंने अक्षरा के साथ बदस्तूर काम जारी रखा, फिर वो चाहे एल्बम्स रहे हों या फिर फिल्में रही हों। अब बात अरविंद अकेला कल्लू की कर लें तो भाई ये किसी से कम नहीं है। जी हाँ, अरविंद अकेला कल्लू के रिलेशनशिप की बात करें तो यामिनी सिंह के साथ इनका रिलेशन जोड़ा जाता है। कहा जा रहा है कि हाल ही में ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। प्रीवियसली बात कर लें तो अरविंद अकेला कल्लू का नाम भोजपुरी एक्ट्रेस सिंगर निशा दुबे के साथ भी जोड़ा गया। जी हाँ, निशा दुबे और अरविंद में बहुत ही लंबी रिलेशनशिप चली। इसका खुलासा तो खुद निशा दुबे ने किया। निशा अरविंद से शादी करना चाहती थी लेकिन अरविंद तैयार नहीं थे, जिस वजह से इनका रिलेशनशिप टूट गया। लेकिन आपको एक बात हम ज़रूर बता दें कि भोजपुरी स्टार्स भले ही शादीशुदा हों तो क्या से, लेकिन अपने गर्लफ्रेंड की खबरें वो बिल्कुल नहीं छुपाते। फिर वो चाहे दिनेश लाल यादव निरहुआ हो या फिर पवन सिंह हो, खेसारी लाल यादव हो, अरविंद अकेला कल्लू हो, यश मिश्रा हो या फिर हो रितेश और प्रदीप पांडे चिंटू, यानी कि सभी के सब अपने रिलेशन को हाइड करने में, छिपाने में, या यूँ कह लें ये कहने में कि ये हमारी गर्लफ्रेंड है, ये बताने में बिल्कुल नहीं हिचकते। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।